गाइस, तो कैसे हो आप लोग? सबको हरे कृष्णा। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। सो चलो आज हम लोग मिलकर रेडी होते हैं एक सिंपल सा मेकओवर करके। तो मैं सबसे पहले अपने थोबड़े पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर को अच्छे से घिस घिस कर अपने थोबड़े पे अप्लाई करना है। देख रहे हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ? और जो बचा चुका रहेगा वो अपने गर्दनों पर लगा लेना, ताकि गर्दन भी लगे दिखने में। वाह वाह वाह। अब मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैं सेम प्रोसेस का जैसा घिस घिस कर अप्लाई करूँगी। वाह क्या लग रही हो। तो प्राइमर लगाने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी फेस चुना, मतलब कि फाउंडेशन नहीं कंसीलर। तो ये मैं अंडर आइज नोज़ चीन आप सब जगह थोप देना है, ठीक है? थोप के एक ब्लेंडर लेके उसे ब्लेंड कर देना है। इसे अच्छा से ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आप लोग मिक्सी में मसाला वगैरह पीसते हो तो उसे अच्छा से ब्लेंड करते हो, इसी तरह हमारे जो फेस का चूना है उसे भी अच्छा से ब्लेंड करना पड़ता है। तभी तो, मतलब कि क्या बोलूँ, कहीं जाऊंगी तो लड़का देखकर फ्लैट हो जाएगा मेरे पे। तो गाइस अब मैं अटैक करूंगी मैदा पे, मैदा यानी कि पाउडर, ओके? सो पाउडर लगाने के बाद अब मैं अपने गालों को थोड़ा टमाटर की जैसा लाल करूंगी। वाओ, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। गाइज अब मैं करूँगी कंटूर। बहुत लोग नहीं करते बिकॉज कंटूर उसके लिए जिन लोग का फेस बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा फुला एंड मोटा है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड जिन लोग स्लिम फेस है उन लोग थोड़ा मोड़ा पाउडर कंटूर कर लेने से इनफ, उससे ज़्यादा नहीं है। सो गाइज मेरा बेस मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आईज पे क्रिएट करूँगी, देन मैं आईब्रोज को पहले फिलअप करूँगी। आईब्रो फिलअप करने के लिए मैं थोड़ा नेचुरल कलर, मतलब कि हुआ थोड़ा लाइट कलर मैं यूज़ करूँगी। गाइज अब मैं करूँगी आई मेकअप करने के लिए मुझे थोड़ा सा लाइट शेड कलर यूज़ करना है। तो मैं सोची हूँ मेरा जो गाउन है येलो कलर का, मैं येलो कलर का ही शैडो अप्लाई करूँगी। देन लैक्मी का एक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर से मैं थोड़ा विंग लाइनर टाइप का मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला नहीं, विंग होना चाहिए जस्ट। सो लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो गाइस सॉरी, मैं ना मस्कारा ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, मक्सारा क्या सब वर्ड हो जाता है, निकल जाता है। तो इनाफ, उसको हटा दो। अब मैं चल जाती हूँ मैं लिपस्टिक लगाने के लिए। देन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आप लोग को भी लेट हो रहा है। सो मैं थोड़ा न्यू टाइप का लिपस्टिक लगा रही हूँ। गाइस ये रहा मेरा सिंपल लुक। तो आप लोग फिर बाद में मुझे मत बताना कि क्या मेकअप किए, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा। तो मैं वीडियो स्टार्टिंग का पहले ही मैं आप लोग को बता दी हूँ कि मैं थोड़ा सिंपल लुक करी, बाकी स्टेप बाय स्टेप तो मेकअप होता ही है, आप लोग को तो इतना नॉलेज होगा ही। सो मैं आप थोड़ा नोज़ कंट्रोलिंग करूँगी, बिकॉज मेरा नोज़ जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए थोड़ा कंट्रोलिंग करूँगी तो थोड़ा पतला स्लिम लगे देखने में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और देन मैं लास्ट प्रोसेस ये है हाईलाइट, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली है। एंड ये मतलब नॉर्मली आप हल्का भी लगा सकते हो। तो टन है, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ये तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी इसे बोल नहीं सकते, बिकॉज जिन लोग पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं मेकअप का, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा लगेगा। मुझे पता है आप लोग के दिल का बात मुझे पता है। सो चलो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, बट प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आप लोगों का कमेंट के लिए मैं वेट करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।